गाइस व्हाट्सअप इट्स योर गुरु वर्मा। तो गाइस हम नए वीडियो बनाने के लिए आ चुके हैं सेक्टर 7 चौपाटी, और इसकी लोकेशन पड़ती है शॉप नंबर 147। सेक्टर 7 की मेन मार्केट के साथ वाली मार्केट है, पानी की टंकी भी बिल्कुल सामने पड़ता है। चलिए देखते हैं मेन्यू क्या क्या मिलता है यहाँ। संजना वर्मा है यहाँ पे। हेलो। हेलो जी। हेलो। तो ये है यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट, ये काउंटर है ऑर्डर देने के लिए। गाइस ये है यहाँ के ओनर, चलिए इनसे बात कर लेते हैं एक बारी। तो सर पहले आपका नेम बता दीजिए। गुलाब सचदेवा। तो सर आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर हो गया। 1 ईयर। तो पहले भी कहीं और थी ये? हाँ, इससे पहले पहली मार्केट में थी। अच्छा, दूसरी वाली मार्केट में थी, ठीक है। और मतलब ओपनिंग क्लोजिंग की टाइमिंग क्या है? 11 o'clock हम ओपन करते हैं और नाइट में 10 o'clock तक रहता है। ओके। और स्पेशलिटी वगैरह कुछ? वैसे तो हर एक चीज़ हमारी स्पेशल है। रेट भी अफोर्डेबल से हैं। राइट। और वैसे पापड़ी मोमोज़ हैं हमारे, बहुत बढ़िया चलते हैं। मोमोज़ पिज़्ज़ा है, हम फ्रेश बेस में बनाते हैं पिज़्ज़ा, वो भी अच्छा है। और चाइनीज़ में है, कंप्लीट रेंज है हमारे पास चाइनीज़ की। हाँ राइट। तो गाइज मेन्यू देख लेते हैं एक बारी। तो गाइज ये है यहाँ के मेन्यू, दो मेन्यू है यहाँ पे। तो इसमें रैप हैं, स्वीट्स हैं, स्टफ़ हैं और पिज़्ज़ा हैं अलग अलग तरह के, डबल टॉपिंग वाले, और कॉम्बोज भी पूरी तरह के अवेलेबल हैं। और इनकी स्पेशल आइटम्स ये तीन चारों, अभी ये मोमोज पिज़्ज़ा हैं जो ये कहीं नहीं मिलते करनाल में, तो एक हम ये ट्राई करने वाले हैं आज। और इधर हैं बहुत सारी और वराइटीज़, बर्गर, रोल, स्टार्टर्स, फ्राइज, सूप, शेक्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे आप मेन्यू देख के कन्फ्यूज़ हो जाओगे एक बार तो क्या ऑर्डर करना है। तो यहाँ मैगी भी है, सैलेड भी है, इधर साइड भी कॉम्बोज अवेलेबल हैं बहुत सारे, जो चाइनीज़ जिनको अच्छा लगता है उनके लिए तो बहुत अच्छा मेन्यू है यहाँ का। तो एक हम कर रहे हैं मोमोज पिज़्ज़ा ऑर्डर, और एक हम कर लेते हैं एक पिज़्ज़ा, इनके बेस फ्रेश होता है तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है हमने। तो एक हम ये पनीर मखनी पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे रेगुलर, 130 rupees इसकी कॉस्ट है पिज़्ज़ा की, और मोमोज पिज़्ज़ा की कॉस्ट है 130 rupees। अभी हम इनके किचन में एंटर कर रहे हैं। तो है यहाँ का किचन, ये हमारा पिज़्ज़ा का बेस रेडी हो रहा है, ये फ्रेश बेस रेडी हो रहा है हमारे सामने ही। तो ये यहाँ की एक भाई स्पेशलिटी है पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा सॉस है भैया? ये पनीर मखनी सॉस जल गया हमारे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर, तो स्पेशल पनीर मखनी पिज़्ज़ा बनवाया हमने। चीज़ ब्लेंड डल रही है इसके ऊपर, लिक्विड चीज़ ये हमारी ब्रांडेड होती है ओके। तो ये हैवी क्वालिटी की चीज़ ऐड हुई है इसमें, लिक्विड चीज़। गाइस अभी हमारी पनीर की टॉपिंग हो रही है इसके ऊपर, आप पनीर की क्वांटिटी देख सकते हैं, टॉपिंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दे रखी है। ये मॉडर्न ट्रेडी की मोज़रेला चीज़ ऐड हो रही है इसके ऊपर, तो हर एक चीज़ हैवी क्वालिटी की यूज़ करी गई है यहाँ पे। तो अभी ये बेक होएगा। गाइस अभी हमने एक हनी चिली पोटैटो और ऐड कर लिया है हमारे उसमें। क्या डाला भैया? अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये अदरक और लहसुन ऐड हो चुका है इसमें। Thank you.
तो हमारे हनी चिली पोटैटो अब रेडी हो चुके हैं। अभी हमारे मोमोज फ्राई हो रहे हैं मोमोज पिज़्ज़ा के लिए। 8 पीस आएंगे इसमें मोमोज में के। मोमोज पिज़्ज़ा रेडी हो रहे हैं, तो पहले कौन सा सॉस डलेगा भैया? पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डलेगी पहले। तो ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड हो रही है। मैं मोमोज पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए खुद एक्साइटेड हूँ। पहले मैंने खाए हैं पर उस टाइम ज़्यादा नहीं पीस खाए थे, पर इस बार अच्छी तरह खाएंगे। मैंने करनाल में बहुत जगह ढूंढे इस पे वीडियो बनाने के लिए, पर मैं वो कहीं पे मिले नहीं मोमोज पिज़्ज़ा। तो ये चीज़ ब्लेंड है ना, तो अभी 29 तारीख को मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसके बर्थडे पे हमने यहाँ से ऑर्डर करा था। तो हम मेरे को जब पता चला, मैं कहा यहाँ तो वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना भैया? तो ये कैप्सिकम और ऑनियन की टॉपिंग हो रही है, स्वीट कॉर्न ऐड हो रहा है। देखने में कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है, इस पे मोज़रेला चीज़ भी ऐड हो रही है और ये मेल्ट क्वालिटी है, और ये मेल्ट हो गया कितनी बढ़िया लगेगी। इसको बेकिंग में कितना टाइम लगता है भैया? 5 to 6 minutes. 7 ओके। तो दोबारा से पिज़्ज़ा अनियन और कैप्सिकम की टॉपिंग हो रही है। ये क्या डल रहा है? ऑलिव, ब्लैक ऑलिव डल रहा है इसके ऊपर। ये चीज़ दिख रहा है ना कि गाइस आप सारी पिघल जाएगी अभी बेकिंग के टाइम। मोमोज पिज़्ज़ा बेक हो रहे हैं। सिक्स टू सेवन मिनट्स में रेडी हो जाएगा। तो गाइस इधर हमारे मोमोज पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, जब तक हम हनी चिली पोटैटो ट्राई कर लेते हैं। इसका हमने छोटा सा पोर्शन बनवाया है, फुल प्लेट नहीं है ये, हाफ भी नहीं, हाफ से भी कम है, क्योंकि हम इतना खा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने वैसे ही ट्राई करवा दिया है, तो हाथ से ही खा लेते हैं। इसलिए क्या करेंगे स्पून का। इसमें बहुत सारे सॉसेज हैं और हनी भी डाला हुआ है, सही क्वांटिटी में डाला हुआ है हनी, और क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा है इसमें। कैसा लगा सुनना? बढ़िया बढ़िया। तो सर आप भी ट्राई कर लो। बस थैंक यू आप। तो इस पे आप देख सकते हो ऊपर डेकोरेशन भी अच्छी तरह कर रखी है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ आगे यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, दिखा दीजिए एक बार और सीटिंग अरेंजमेंट। तो जब तक हमारा दूसरा ऑर्डर रेडी हो रहा है हम ये खा लेते हैं। तो गाइज हमारे मोमोज पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा आ चुके हैं बेक होके। तो संजना तू ये ट्राई करेगी, मैं ये करूँगा, ठीक है? ठीक है, चल पहले तू कर, पहले थोड़ा गाने कर ले। चीज़ पूरी लोडेड है इसमें, एज यू कैन सी। कैचअप की भी नीड नहीं है बिल्कुल। अच्छा है, और इसमें इसकी भी पनीर का भी टेस्ट है, और मतलब जैसे इसका नाम है ना पनीर मखनी,
तो बड़ा मखना मखना सा लग रहा है। तो हम करेंगे पिज्ज़ा मोमोज ट्राई, गर्मा गर्म मोमोज पिज्ज़ा, पिज्ज़ा मोमोज नहीं। तो सजना, तो इसकी चीज़ ही चीज़ है इसमें। मेरे पास भी चीज़, मेरे वाले पर ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा है ना। तो गाइस लो ट्राई कर लो, आप भी यहाँ आके ट्राई करो, आपके लिए भी हम ऑफर भी निकलवाते हैं। ये तो खत्म होने में नहीं आ रहा है, इतनी ज्यादा चीज है इसमें। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, मैंने इसकी बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं, यहाँ करनाल में नहीं मिलता है कहीं भी, इसलिए मैंने स्पेशली ढूंढा, पर मिला नहीं। पर जब मैंने दोस्त के बर्थडे पे खाया ना, जब मैंने सोच लिया था बस यहाँ तो वीडियो बनानी ही बनानी है। तो हमने अपने तीनों डिशेस कंप्लीट फिनिश कर दिए हैं। हाँ जी सर, तो कैसा लगा? हमें सच में बहुत अच्छा लगा, पनीर मोमोज भी एंड पिज़्ज़ा भी सच में बहुत ही टेस्टी था। हाँ जी सर, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स होंगे वीडियोस के, उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर होगा? जो आपके व्यूअर्स आके हमें बोलेंगे कि हमने आपकी वीडियो देख के यहाँ पर आए हैं, तो उनको मैं देना चाहूँगा कि 299 पे एक पाव भाजी फ्री करूँगा, और एक और ऑफर दे देता हूँ आपके लिए, अगर 499 की उनकी बिलिंग होती है तो 130 वाला एक पनीर मखनी पिज़्ज़ा जो आपको मैंने ट्राई करवाया। हाँ राइट राइट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये तो चांदी चांदी हो जाएगी व्यूअर्स के लिए, तो फटाफट वीडियो देख के आना ही पड़ेगा यहाँ पे, खींचे चले आओगे पनीर मखनी के लिए। आपके लिए 1 मंथ के लिए, 1 मंथ तक कोई भी वीडियो देख के यहाँ पे आ सकता है अपना। और ये हाँ जी, और ये ऑफर को फटाफट ग्रैब करिए। दो तरह के मेन्यू हैं, एक हमारे पास इटालियन है और एक चाइनीज़ है। जो हमारा स्पेशल चलता है इटालियन में तो आपने पिज़्ज़ा ट्राई करा, पनीर मखनी बहुत अच्छा चलता है, वेजी लॉर्डर बहुत अच्छा चलता है, और इसके अंदर चाइनीज़ में हमारा दही के शोले बहुत अल्टीमेट आइटम है, दही के शोले। ये पापड़ी, हाँ पापड़ी रोल्स हो गया, चीज़ कॉर्न शोले हो गया, पापड़ी मोमोज हो गया, ये कुछ ऐसी आइटम है जो कि करनाल में अभी तक आई नहीं। मे भी आपकी वीडियो देखने के बाद कई ट्राई करने शुरू कर दें इसको बनाना, बट अभी तक किसी ने इनोवेशन करी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, तो यहाँ पे आइए, बहुत अच्छी जगह है। सर का नेचर, इनके ओनर का नेचर भी बहुत ही अच्छा है, तो उन्होंने बहुत स्वीटली हमें ट्रीट किया, और सारी डिशेज भी उनकी बहुत अच्छी थी। टाइमिंग्स एंड एड्रेस आपको सब कुछ बता दिया हमने, तो फिर आप आइए। और यहाँ पर जेन्युइन प्राइजेस है, बिल्कुल प्राइजेस लो, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है, खाना भी अच्छा है। तो आइए, ज़रूर विज़िट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।